वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और हमारे पहले दर्शक ने हमें एक एसएमएस भेजा है भटिंडा से, योगेंद्र बजाज। इन्होंने कच्चे तेल के 2 लॉट खरीदे हैं 6,237 के लेवल पर और कच्चे तेल में हमने ऑफकोर्स एक तेजी बनती देखी पूरे एनर्जी पैक में ही। विभु, क्या लग रहा है आपको, किस तरह से इनको स्टॉप लॉसेस मेंटेन करने चाहिए अपने? कच्चे तेल की बात करें तो जैसे कि जो एक सेंटिमेंट की हमने बात की कि वर्ल्ड पावर और ईरान के बीच की जो एक मीटिंग आज से स्टार्ट होने वाली है, जिसमें कि एक शायद अगर सेंक्शन कम हो रहे हैं तो एक सप्लाई बढ़ने की और सप्लाई बढ़ने से एक प्राइस के ऊपर प्रेशर की एक सेंटिमेंट उम्मीद बनी हुई है। सेकंड जो रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स है, जैसे वो चाइना की अगर हम डेटा की बात करें, यूएस के नॉन फार्म पेरोल या रिटेल डेटा की बात करें, जो भी यहाँ पे अच्छे नहीं आए, जो भी यहाँ पे थोड़े से नेगेटिव साइड ही है क्रूड के लिए, जो पिछले एक या दो या तीन दिन की बात करें जो सपोर्ट दे रहे हैं क्रूड के प्राइस को, वो सिर्फ यूएस का कोल्ड वेदर की बात दे रहा है और एल्स जो डॉलर वीक है अगेंस्ट द बास्केट ऑफ करेंसी, ये दो चीज़ सिर्फ सपोर्ट कर रही है। रेस्ट ऑफ द फंडामेंटल्स अभी भी मुझे लग रहा है कि एक बार दबाव दे सकते हैं क्रूड के प्राइस के लिए। जो यहाँ पे ब्राइंग की है उसको मैं रेकमेंड करूँगा कि 6,220 का इमीडिएट पहले यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा दें और अपनी पोजीशन को अगर यहाँ पे एक बाउंस बैक भी मिलता है 6,260 या 6,280 तो वहां पे एग्जिट करना ज्यादा बेटर होगा। आने वाले दिनों में हम डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्रूड के प्राइस के लिए। चलिए, इस तरह से आपको अपनी स्ट्रेटजी बना के रखनी चाहिए फिलहाल कच्चे तेल में। हमारे साथ जलगांव से ललित मोदी जुड़ रहे हैं। ललित जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। हाँ जी पूछिए सर। मैडम ये चना भाई क्या है, अब अप्रैल घंटे का 5,005 में और सोयाबीन भाई क्या है 3,950 में, मैं 15-20 दिन तक इसमें रुक सकता हूँ तो क्या करना चाहिए? ललित जी वैसे भी ट्रेड करते हैं आप एग्री कमोडिटीज में या पहली बार पैसा लगाया है? नहीं करते हैं एग्री। अच्छा चलिए बढ़िया। यहाँ पर जगदीप जी आपसे जानना चाहेंगे चने में ऑफ कोर्स जिस तरह से हमने आज एक मूव आते देखा है इनका, लेकिन जो लेवल है वो 3,005 का है जहाँ पर इन्होंने खरीदारी की है और 3,950 का इन्होंने बोला सोयाबीन में इन्होंने खरीदारी की है, किस लेवल पर आप इनको सलाह देंगे एग्जिट करेंगे? देखिए दोनों ही वायदों में शायद इनका जो है पोजीशन अभी प्रॉफिट में है। अपने चने की पहले बात करें तो चने में कोई लंबी चौड़ी तेजी हाल फिलहाल नहीं दिखाई देती है, तो मैं इनको कहूंगा कि अपने कंफर्टेबल के हिसाब से 3,010-3,015 की रेंज में जो है एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, क्योंकि एक बार अगर प्रॉफिट में आ गए तो वापस नुकसान में नहीं जाना चाहिए। तो ऊपर में जो है 3,055-3,060 तक के जो इसमें लेवल देख मिल सकते हैं वहाँ पे एग्जिट कर लेना चाहिए, जबकि सोयाबीन में जो हम इनको बरकरार रहने का जो है सलाह दूंगा उसमें जैसे कि बताया कि 3,930 का एक अल्टीमेटली स्टॉप लॉस बनता है, वो स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए जो आज की अपनी टारगेट भी है 4,015 की, वो आने के पूरे चांसेस है, तो उसमें बरकरार रहें और चने में जो है कुछ हाले पे निकलने की कोशिश करें। चने में किसी भी आपको बांस पे निकलना चाहिए 4,015, सोयाबीन का आपका एक टारगेट होगा जिस तरह से आज स्ट्रेटजी भी सुझाई है अपने हॉट पिक्स के तौर पर जगदीप जी ने। अगले दर्शक हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं आर.के. रंगवानी। रंगवानी साहब नमस्कार। रंगवानी जी आपको आवाज आ रही है? ओके चलिए इनका सवाल हम ले लेते हैं। इन्होंने चांदी के 3 लॉट खरीदे हैं 47,800 पर, आई थिंक जो भाव आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आई थिंक उसमें कुछ गड़बड़ है। 47,800 जो हमें एसएमएस आया है, हमने जिस तरह से एक तेजी बनती हुई देखी सोने और चांदी में, विभु सभी एनालिस्ट जिनसे हमने अभी तक बात की है उनका आंकलन है कि शायद चांदी में आपको ज्यादा तेजी देखे बनस्पत सोने की, आप भी यही मानते हैं? चांदी में हम थोड़ी सी एक्सपेक्ट इसलिए कर सकते हैं कि चांदी पिछले कुछ अगर 2 या 3 महीनों से बात करेंगे तो वो एक अंडर परफॉर्म रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ की जो एक इंडस्ट्रियल डिमांड की जो वहाँ पे प्रेशर आ रही थी वो चीज़ एक काफ़ी एक कंसोलिडेट कर रही थी पिछले 2 या 3 महीनों से, जिसकी एक हमने कंसोलिडेशन रेंज भी ब्रेक होते हुए देखी है। इनफैक्ट डोमेस्टिक मार्केट में काफ़ी अच्छी एक ब्रेकआउट भी हमने देखी है, तो ये थोड़ा सा एक अगर हम यहाँ पे मिसमैच की बात करें, जो बुलियंस की मिसमैच की बात करें, तो उसको देखते हुए एक अच्छी शॉर्ट टर्म के लिए एक हम रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाई है उसको मैं रेकमेंड करूँगा कि अपनी बाइंग पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे 48,200 से 48,500 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। 48,500 तक के लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, स्टॉप लॉस का खास ध्यान रखें आप। फिलहाल चांदी में स्ट्रैटेजी सुझाई जा रही है। लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद कुछ और कमोडिटी से जुड़े सवालों के जवाब लेंगे। वेलकम बैक, हमारे साथ संदीप कुमार जायसवाल पूछ रहे हैं अपना सवाल पूछने के लिए। संदीप जी बताइए कौन सी कमोडिटी में पैसे लगाए हैं? जी अभी वो कार्डमम के बारे में जाना चाहते हैं। अच्छा पैसे लगाना चाहते हैं, आप ट्रेड करते हैं? हाँ वो फिजिकल मार्केट में अभी क्या कार्डमम का रेट रहेगा? अच्छा। आने वाले 2-3 महीने में
ओके, बेसिकली ट्रेंड जानना चाहते हैं जगदीप जी ये फिजिकल मार्केट में इलायची का। देखिए कार्डमम जो है काफी टाइम बाद अपने एक बेरिश जोन से ऊपर के आई थी, ऊपर में 800 रुपए तक जो है इसके प्राइस अपने देखे थे, लेकिन अपने जैसे देख रहे हैं कि वायदा जो है नेक्स्ट जब शुरू होता है तो हाई भाव पे शुरू होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक्सपायरी आते आते डिलीवरी का टाइम जब तक इसका आता है वापस से जो है ये 700 रुपए 715 के आसपास की कटिंग होती है। यानी कि अभी भी जो है फिजिकल मार्केट में तो एक प्रेशर का जो है दौर चल ही रहा है, उसमें जो है अभी तक प्राइसेस में उतना उछाला नहीं आया, उतने सुधार नहीं हुआ है जितना कि अपने फ्यूचर में देख रहे हैं। तो फिजिकल के लिए अभी भी प्रेशर में चल रहा है, अभी भी टाइम जो है उसमें बाकी है कि इसका जो है एक ट्रेंड बुलिश का शुरू हो सके। उसके बजाय जो है फ्यूचर में अपने देखते हैं तो मंथ ऑन मंथ जो है काफी स्प्रेड भी है और सेल स्ट्रेटजी जो है अभी तक जो लेके चले हैं तो उनको रोल ओवर स्प्रेड में ही जो है एक अच्छा खासा मुनाफा इसमें रहा है। तो फिजिकल साइड अगर ये लेके चल रहे हैं तो बेटर रहेगा एक अपनी पोजिशन जो है हेज की जरूर फ्यूचर पे लेके चले, जिसकी वजह से जो है नुकसान जो रोल ओवर के बाद अपना होता है उसमें जो है उल्टा गेन करें। तो फ्यूचर में जो है सेल ऑन राइज की ही रिकमेंडेशन रहेगी, फिजिकल में भी अगर माल है तो उसको हेज करके रखें। ऑलराइट, चलिए तो फिलहाल इस तरह की स्ट्रेटजी सेल ऑन राइज आपको अगर आप वायदा बाजार में ट्रेड कर रहे हैं। हरियाणा से संजय गुप्ता ने फोन किया है। संजय जी नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी बताइए। मैडम दो गोल्ड लिया हुआ है। ऑलराइट, किस भाव पर लिए हैं आपने? 28,850 से। संजय जी तो ये केवल आपने ट्रेडिंग के लिहाज से ही लिया है? नहीं, लॉन्ग में जाना चाहता हूँ। कितना समय? समय लगभग 6 महीने। अच्छा, 6 महीने का नजरिया है। 28,850 लेवल्स तो इनके अच्छे हैं, मुनाफा हो रहा है, तो क्या इन्हें मुनाफा वसूल लेना चाहिए? और फिर विभु जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि बाद में गिरावट आती है फिर खरीदें, इस तरह की स्ट्रैटेजी ज्यादा अच्छे से प्ले आउट करेगी? बिल्कुल, स्ट्रेटेजी उसी तरीके से बनानी चाहिए। यहाँ पे दो तरीके से मैं बताऊंगा कि वेरी सिंपल, एक ट्रेल स्टॉप लॉस यहाँ पे एक सबसे पहले तो मेंटेन कर लेना चाहिए। 29,750 का एक काफ़ी अच्छा शॉर्ट टर्म का सपोर्ट बन रहा है, जिसको क्या हुआ ट्रेल स्टॉप लॉस बना लो जहाँ पे आपकी पोजीशन प्रॉफिट में रहेगी। ऊपरी लेवल पे भी एक यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आप स्टार्ट कर लो या तो कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग कर लो, वो भी एक यहाँ पे एडवाइजेबल रहेगा। समय अराउंड 30,500 से लेकर 30,700 के बीच में अगर वहाँ पे आपको मिलता है तो वहाँ पे भी आप प्रॉफिट बुक कर लो, वो भी ज़्यादा बेटर होगा। आने वाले दिनों में फिर से आपको डीप मिलेगी जहाँ पे कि आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है फिर से इन्वेस्टमेंट के लिए। वेरी शॉर्ट टर्म सबसे पहले यही होगा कि आप ट्रेल स्टॉप लॉस यहाँ पे 29,750 का मेंटेन करिए, ऊपरी लेवल का और भी यहाँ पे 30,400, 500 या 700 तक का वेट करिए, वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके, चलिए फिर एक स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं आप इस पोजीशन में। हमें एक SMS भेजा है गंगानगर से सुरेश यादव ने, और ग्वार के इनके एक्चुअली ये किसान है, 100 क्विंटल इन्होंने ग्वार ली हुई है। जगदीप जी बहुत ही वॉलेटाइल कमोडिटी ऑफ कोर्स ये है, लेकिन क्योंकि ये किसान है एक, क्या लग रहा है आपको? एक बार हमने देखा 5,000 के ऊपर जरूर गई ग्वार सीट, फिर से यहाँ पर नीचे के भाव दिख रहे हैं, किस तरह से फ्यूचर ट्रेंड आपको दिख रहा है ग्वार का? ये गवार का जो है अभी एक रेंज बाउंड हो गया लगता है कि 5,000 के ऊपर के प्राइसेस जो है गवार मार्केट के लिए अभी सस्टेनेबल नहीं लगते हैं, और अभी प्राइसेस जो है लगभग 5,000 के आजू बाजू के ही हैं, तो बेटर रहेगा फिजिकल में जो है पकड़ के रखने की चीज़ नहीं है उसमें अपलोड करें। अभी सोइंग का भी टाइम आ जाएगा 2 महीने बाद, तो उस टाइम भी वॉलेटिलिटी अच्छी खासी रहेगी, और 5,000 के भी भाव जो है इसकी एग्रीकल्चर कॉस्टिंग को देखते हैं तो अच्छे खासे हैं, तो सोइंग इस बार भी अच्छी होने वाली है, कैरी ओवर अच्छा है, प्रोडक्शन के अच्छे रहेंगे तो एक दबाव बनेगा, इसमें कोई लंबी चौड़ी तेजी आगे जाते हुए नहीं दिखाई देते, बेटर रहेगा फिजिकल में बेच के जो है इसको ऑफलोड करें। ओके, चलिए तो फिजिकल में आपको बेचना चाहिए, ऑफलोड करें अपनी स्टेक को, फिलहाल ग्वार में ये सलाह दे रहे हैं आपको जगदीप जी। वक्त है शुक्रिया कहने का हमारे दोनों विशेषज्ञों को, विभु और जगदीप जी आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमोडिटी कॉल में आज के लिए इतना ही, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।